बिहार में तीन चरण में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और बेतिया विधानसभा सीट पर दूसरे चरण में मतदान होना है और यहां पर नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इस कड़ी में वन इंडिया के बेतिया संवाददाता दीपक कुमार सिंह ने कांग्रेस के मौजूदा विधायक मदन मोहन तिवारी से तमाम चुनावी मुद्दों को लेकर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 5 साल बेमिसाल। उन्होंने नीतीश पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार अब युवा चेहरे की तरफ देख रहा है, अब नीतीश के बस का नहीं है बिहार। पेश है ये रिपोर्ट। आप दोबारा लड़ रहे हैं, इस बार कितनी तैयारी है? विधानसभा चुनाव आप दूसरी बार लड़ रहे हैं, कितनी तैयारी है इस बार आपकी? 5 साल बेमिसाल। 5 साल से हम विधायक हैं। विधायक जी, यहाँ शहर में व्यवसायियों के साथ अगर एक भी अत्याचार हुआ हो महागठबंधन के किसी कार्यकर्ता के साथ, लेकिन वही 16 साल बीजेपी के लोग व्यवसायियों के साथ जो किया, जो किसानों के साथ किया, जमीन वाले के साथ किया, उस जिससे लोग त्रस्त हो गए थे, इसलिए 5 साल हमको दिए। ये 5 साल में कोई साबित नहीं कर सकता है कि मेरा कोई कार्यकर्ता किसी भी व्यवसायी को धमकाया हो, डराया हो और कहा हो कि विधायक जी के हम आदमी, हमको ये चीज़ फिर नहीं। लेकिन 15 साल यही होता रहा बीतिया शहर के, इसलिए 5 साल शहर में बेमिसाल। जेडीयू और बीजेपी भी 15 साल बनाम 15 साल का मुद्दा उठाती रहेगी, इसे लेके क्या कहेंगे आप? देखिए, अब नीतीश जी के बस का रोग बिहार नहीं है। बिहार अब नौजवान को खोज रहा है, युवा चेहरा के तरफ देख रहा है। बिहार तेज गति से विकास देखना चाहता है, युवा रोजगार देखना चाह रहा है। जो नियोजित है वो परमानेंट अपने पद को देखना चाह रहे हैं, इसलिए तेजस्वी सरकार बनना तय है। क्या 15 साल प्रलम? आपको बता दें कि बेतिया विधानसभा सीट पर कुल 10 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसमें मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी की रेणु देवी और कांग्रेस के मदन मोहन तिवारी के बीच है। इस विधानसभा सीट पर 2015 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के मदन मोहन तिवारी ने जीत हासिल की थी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की रेणु देवी को कांटेदार मुकाबले में महज 2320 मतों के अंतर से हराया था। मदन मोहन तिवारी को 45.3% वोट मिले, जबकि रेणु देवाली को 43.7% वोट हासिल हुए।